नारा लगाने एक बार पाकिस्तान दा पाकिस्तान की कुछ नहीं बोलना क्यों है आए हाय क्या बात है माशाल्लाह चौस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अगर तंदुरुस्त हो तो मेरा व्लॉग देखते रहो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अल्लाह आपको बहुत 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 तंदुरुस्त रखे। आमीन सुम आमीन। सारे कमेंट च आमीन लिखो यार। भाई साहब यार 14 अगस्त 1947 जिस दिन हाडा पाकिस्तान आज़ाद है, आप सबको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। इंज कहा गया इसलिए तो सारे लोग ना बहुत जश्न मनाते हैं, बहुत खुशियां मनाते हैं कि इस दिन हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और घरों में झंडे लगाते हैं। तो मेरे पास भी छोटा सा झंडा है लेकिन इसे दिल नहीं करता पा दे, हमारा दिल मेरा दिल कर रहा है कि घर में ऊपर झंडा भी लगा जो वेखने दुकाना जाके खरीदने चेक करने माशाल्लाह। उससे पहले काम चोर नहीं कबड़ना, पहले यार पट्ठे पालिए डंगर शंगर उधर फिर बाद अपने पाकिस्तान का झंडा लिया के अपने छाते लाने दुकाना शकाना वेख के आने के की सूरत हाल है। अज 11 तारीख है, 14 अगस्त न 14 अगस्त फिर 14 अगस्त न 14 अगस्त नहीं हो रही होना जालम तुम पट्ठी लेके आ गया जल्दी खुली में खिलाड़ी आओ लेके आइए फिर जाइए जो काम है हाडा मेन। माशाल्लाह आप सीन का सीन चेक करे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बस इतना ही काम था, बाकी जो दादा पट्ठे वड्डेगा ना ये वाले तो फिर और डाल देंगे पट्ठे खुली में और डाल देंगे पट्ठे। तो अभी आपको दिखाता हूँ 14 अगस्त में जो दुकानें लगी है ना वो दिखाने जाके हम इस पर चमके साए दले हम एक हाय हाय क्या बात है। इंशाल्लाह ताला वो वहाँ झंडा लगेगा इंशाल्लाह। मेरे दोस्त भी आ गए हैं, चलो चलिए उस माले देखने वो चलिए कि दुकाना कह नहीं लगी चलिए चला गया पिज्जा मैं का सट्टा खाओगे कल का पिज्जा खा लिया है बड़ी जे तू आया नहीं हूं तू 10 बजे तू कितों कटन जाइए मैंने पूछी के नहीं इतना खवाया है की जैन ने उन्होंने पूछी मैंने केरे नहीं इतना खवाया मेरा सिर पीर होने लग पया है। एक तू पिज्जा खाता तू कहंदा नहीं यार तेरा पिज्जा नहीं सही सिर पीर होने लगा बड़ी गल नहीं नहीं मैं नहीं किया हां मैंने तो फर्स्ट क्लास पूरी चास है जैन आंदा है पया जैन मैं पूछ लांगा इन्हें अभी चलते हैं दुकान चलो भाई बिस्मिल्लाह पढ़ो अगर राज जी करी बड़ा जी देख डियो ना झंडा लाभ जाएगा कि नहीं झंडा लाभ जाएगा कि नहीं चलो ये दुकान में तो थोड़ी चीजें हैं ना तो अगली दुकान चलिए नहीं हां चलिए बस अच्छे दे नहीं ओए मां बिस्सी ना कर बिस्सी तो दसाने थे मैं निशानी लानी 14 अगस्त तू पहले तू उन में ले दी थी यार पर आ गया तुम ना फक मेरे ए गल तू रोस में दसा तू जा दसा तू रोड पे जा यार आ जा पर 44 मारी है दसा तू रोड गया जा जा दसा तू भैया 10 रुपया की वजह तू इतनी बड़ी जाली टूटी जा यार जा एक और दुकान मिली अस्सलाम वालेकुम ओ अस्सलाम वालेकुम ओए थे बाबा शमाणी ओए इतने ला देना कोई यार चीज है बस की ला देना की जाना कि नहीं नहीं 250 है ला देना 10 रुपए यानी नहीं मैं ला दी थी 250 दा ला के दे मां तेरा मुंह चबला ना मां चला ला दे दादा दा ला दे दादा ला दे आ भी कर भूखे आए बाकी ये पीप ना ओए तोड़ी किने दिया जे 20 दे पक्की ला दांगा पक्की ला दांगा किन्ने दिया वो किन्ने दिया हैं 250 दी अल्लाह ये क्या हो गया ये किन्ने दा अजा 1.5 रुपये दा होएगा ना फिर मतलब यार कोई यार मैं ऐसे कोई चीज मांगदा यार छोटियां पीपनियां छिपनियां भी है अज माशाल्लाह ओए ये की शमा जी ओए की ओ बस कर गंदिया की कीता ही गंदिया यार ये कि नमाज आया और नंग जो ये दुकान में बहुत चीजें हैं लेकिन इनमें बड़ा झंडा नहीं है यार ए है लेकिन छोटा बहुत ही छोटा इतना बड़ा की ले दे ओ करो भूखा है देसी कम करना बना ले दे आई ला दे कार किने नहीं दसा दी ला दंग यार तू बड़ा सियाना है तू ए 50 हो दियो नहीं है जब 50 दी होई ना फिर नहीं मिला के देनी 20 दी फिर ला लंग जाना किने दिया ओए ऊ बेचारा कितने सुता है 50
चाचे का मुंडा बदमाश दो पिस्तौलां फड़ियां यहाँ खड़े हो तो नारा लगाने एक बार पाकिस्तान का पाकिस्तान की पाकिस्तान तेरा क्या बंदे मुझे पता नहीं की पाया उसने थोड़ा जहा अंदर आसरा कराया तो मैं पाकिस्तान जिंदाबाद माशाल्लाह मौसम चकने काली बदली छा गई। कोई लोगों को ना नहीं पता कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ था। अभी जिन को लोगों का ना अजमाते हैं सबको जिन्होंने नहीं पता ना उनको सारे को जाकर पूछ। चलिए ओगे बाबा बैठा ही पूछना। अस्सलाम वालेकुम। ओ के हाथ ना लैन दिया भला 14 अगस्त 1947 की होया है 14 अगस्त 1947 है बोल छड़। चौदह अगस्त 1947 एक बच्चे से पूछा वो कह रहा था ये पैदा होया था। अभी दादे को जाके पूछे मैंने लगता उन्होंने पता होना बुजुर्ग बंदे ने। हां हां बुजुर्ग बंदे ने पता ना बेचा चूजी आ ले चलो दादा ये वे अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। माने यार झंडा है जी घर मैं यार घर लाना है यार मैं भी लाना है तू भी लाना यार तू ना माला आई जोर जोर मैं 14 पहले महीना सोचा 14 अगस्त आनी है ना मैं ₹10 का जो झंडा लिया डंडा लग वड्डा जा लाया झंडा वड्डा जा। चल कोई नहीं तू ला जा के ठीक है ना तो मैं पे ले आवा। चल ठीक तू ले आ मेरे का झंडा किथे रखया है मैं लकाया है। ओ वेख बने हुन वेख बने को झंडा मंगना से वेख बने नहीं बना पाया मैं नहीं बना मैं सच्ची गल दसी यार तू भी बड़ा शरीफ है तड़े का आया झंडा आई यार दुकान ना वाले आ ने आके गल कर वेख ए मुंडा हुन चला यार चली सच्ची मुझे तड़ पे सेफ के ऊपर मैंने चेक किया लेकिन उसके ऊपर ना झंडा मिला है लेकिन दूसरा जश्न विलाद नबी को सलम वो बोला 14 अगस्त 1947 वाला। अस्सलाम वालेकुम सोने झंडा तेरा कि लाख दे 100 वाद दांग नहीं नहीं 150-200-500 बेटा कट्टा तेरे। लो जी झंडा तो नहीं मिला लेकिन ना मुझे दूसरे शहर जाना पड़ेगा झंडा लेने मतलब कि अपने साथ वाले गांव जाना पड़ेगा झंडा लेने के लिए। अभी स्कूल से आया हूँ मैं अभी तो नहीं जाना। अरे अभी स्कूल से आया सुभान बना रहा है जूस माशाल्लाह अज भरा बना के देगा भाई जूस एम भाई उन्ना बनाना नहीं जिन्हें खाने से लो जी माशाल्लाह जूस बन के आ गया ले आया भाई आए ओए आज ते भरा दे हाथ दई ओए लग जंदा पता की मजा हुंदा है भला नहीं माशाल्लाह। अभी ये होने लगा जी चेक ठप बड़ा तेज पानी पा दे कोई सवाल नहीं अम्मी फूफो के घर गई हुई है सुबान इसलिए जूस बना रहा था अम्मी घर नहीं है अभी हम स्कूल से आए हैं तो मैं व्लॉग अभी अपलोड करना है बाकी यही है मैं व्लॉग का खात्मा कर देता हूँ बाकी ये था मेरा छोटा सा व्लॉग उम्मीद का तो आपको अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा दुख साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आलमो सब्सक्राइब से सब्सक्राइब ठोकी जाओ हूँ बस सब्सक्राइब बन की बड़ी लोड़ है ना ठीक है ना ओके करो अल्लाह हाफिज़ सोया।